हेलो एवरीवन, चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। मतलब हमें देखना है कि कौन से नल सेट के एग्जांपल है। चलिए देखते हैं कौन कौन एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है क्या जो डिविजिबल बाय 2 हो? नहीं, मतलब ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। मतलब ये तो सिंगल टोन सेट है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ नल सेट। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अच्छा, कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 हो एंड ग्रेटर देन 7? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो आपको पता है पहले 5 आता है, बाद में 7। अच्छा, लेस देन 5 मतलब इस तरफ वाला एंड ग्रेटर देन 7 मतलब इस तरफ वाला, यानी कोई कॉमन नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जो लेस देन 5 भी हो एंड ग्रेटर देन 7 भी हो। दैट मीन्स दिस इज अ नल सेट। Y where, यानी कि Y such that Y is a point common to any two parallel lines। अच्छा, कोई भी दो parallel line में कभी कोई common point होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ऐसा कोई point हमें मिलेगा ही नहीं। That means this is also null set। Question number 2, which of the following sets are finite or infinite? मतलब हमें पता लगाना है कि कौन सा set finite है, कौन सा infinite। देखते हैं पहला question क्या कहता है। पहला question कहता है the सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मतलब उन्होंने कहा कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। भाई सिंपल सी बात है, कितने मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, मतलब टोटल 12 महीने होते हैं, इजीली काउंटेबल है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ये हो जाता है फाइनाइट सेट। उसके बाद मैंने देखा 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और कोई एंडिंग नहीं दिया। मतलब ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद मैंने देखा 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, उसके बाद दिया है 99 एंड 100, मतलब टिल 100 ही नंबर हमें लेने हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई इतने ही नंबर है, तो काउंटेबल नंबर होने की वजह से मैं इसे कह दूंगा यू आर एक्चुअली फाइनाइट सेट। उसके बाद देखा हमने कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अच्छा, 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर है? मैंने कहा इनफाइनाइट। दैट मीन्स दिस सेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने देखा द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं? मैंने कहा भाई सीधी बात है, 1 से 99 तक ऑलरेडी नेचुरल नंबर ही बेचारे 99 होते हैं, तो प्राइम नंबर तो उससे भी कम होंगे, तो ये डेफिनेटली फाइनाइट होंगे, इसलिए ये सेट कैसा आएगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमें भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम यहाँ पे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट दिया है, वो हमें चेक करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस कैसी होती है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है, उनसे पैरेलल कितनी लाइन्स हो सकती है? मैंने कहा यार इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है, सीधी बात है, आप खुद चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, पता चलेगा यार होती ही रहेगी। तो ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। अच्छा, उसके बाद दिया है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? सीधी बात है, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, मतलब काउंटेबल होते हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब यहाँ पे दिया है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 1 5, 5 2 10, अप टू इनफाइनाइट। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 5 हो सकते हैं, इसलिए यह सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद दिया है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा सर, अर्थ के ऊपर तो इन्फाइनाइट एनिमल्स है। मैंने कहा नहीं, जो भी है काउंटेबल है, क्योंकि हमारे सामने है और हमें पता है कि अगर हम कंट्री वाइज या डिसाइड करें कि यहाँ पे सपोज इंडिया में इतने एनिमल्स हैं, वहाँ पे अफ्रीका में इतने हैं, तो टोटल करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतने एनिमल है। हाँ, नंबर बड़ा आएगा, द नंबर इज़ वेरी ह्यूज, बट एक्चुअली इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल है। उसके बाद है द सेट ऑफ सर्कल विच इज़ पासिंग थ्रू 0, 0, मतलब ओरिजिन से जो पास हो रहे हैं। मैंने कहा देखो ओरिजिन मतलब कोई भी एक पॉइंट, एक पॉइंट में से अगर आप सर्कल या लाइंस या कुछ भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करो ना, तो इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल वहाँ से ड्रॉ हो सकते हैं, एज वेल एज इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट सेट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेट वे दर ए इक्वल टू बी और नॉट, मतलब हमें चेक करना है कि क्या दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। मैंने देखा यहाँ पे पहला सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी दिया है, सेट बी में यहाँ देखा यहाँ भी ए बी सी एंड डी चारों एलिमेंट है, यानी सारे एलिमेंट ए के बी में भी हैं और सारे एलिमेंट बी के ए में भी है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों कैसे हैं इक्वल है। अच्छा बच्चे ने कहा चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मैंने कहा देखो 4 यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ 8 है यहाँ भी है, यहाँ 12 है लेकिन यहाँ दिखाई नहीं, मतलब 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी बट जबकि 12 ए का मेंबर है, तो मैं कह सकता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 दिया है लेकिन बी इक्वल टू ऐसी दिया है भद्दा सा, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, चलिए इसे अच्छा बनाते हैं। x is a even positive integer where x is less than equal to 10. अच्छा even number कहाँ से चालू होता है? 2, 4, 6, 8, 10 लेकिन till 10 ही हमें लिखना है, तो ये कौन सा हमारा सेट B हुआ? मैंने देखा ये तो A के जैसा ही दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ A equal to B, मैं कह सकता हूँ A equal to B। अच्छा देखते हैं next क्या है, A equal to क्या दिया है, X such that X is multiple of 10, ये कैसा दिखेगा, multiple of 10 दिखता है 10, 20, 30 and so on। अच्छा साथ में मैंने देखा B क्या दिया है, B दिया है यहाँ पे 10, 15, 20 and so on। अच्छा सर जी ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ 20 दिया है 10 के बाद, यहाँ दिया है 15, अच्छा 15 तो यहाँ है ही नहीं जबकि 20 इसका यहाँ है, तो मैं कह सकता हूँ 15 does not belongs to A जबकि 15 B का member है, तो हम कह सकते हैं A is not equal to B। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल गिव योर रीजन, मतलब हमें चेक करना है यहां भी कि क्या दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, सेट A इक्वल टू दिया है 2, 3, सेट B इक्वल टू यहां दिया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। अच्छा इसे अगर आप सॉल्व करोगे कि भाई x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर कुछ इस तरह से निकलते हैं x + 3 × x + 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसे आगे सॉल्व करने पर x = -3 एंड x = -2 मिलेगा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे -2 एंड यहाँ -3 मिला, तो मैंने देखा यहाँ पे दोनों के एलिमेंट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B। अच्छा यहाँ पे देखते हैं जरा X where X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, इसे इसमें क्या आएगा, मैंने कहा देखो F आएगा बाद में O आएगा L आएगा एंड W आएगा, सेम वे सेट B में देखा मैंने Y सच दैट Y इज द लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, अच्छा यहाँ पे W आएगा O आएगा L आएगा एंड F आएगा, मैंने देखा यहाँ W है वो यहाँ भी है, वो यहाँ है वो यहाँ भी है, यहाँ L यहाँ L यहाँ F यहाँ F, मतलब सारे एलिमेंट A के B में हैं, सारे एलिमेंट B के A में हैं, दैट मीन्स वी कैन से A इक्वल टू B, दैट मीन्स दिस सेट आर इक्वल। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स, मतलब हमें नीचे इतने सारे सेट दिए हैं उसमें से इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है, चलिए देखते हैं कौन कौन से सेट पॉसिबल हैं। ए इक्वल टू ऐसा है, बी 1, 2, 3, 4 है, सी ये है, डी में फिर मैंने देखा 3, 1, 4, 2, अच्छा ये जाना पहचाना है, देखो 1, 2, 3, 4 मतलब ये बी से इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल टू डी, एक तो चीज़ मिल गई, चलो एक पैर मिली। अच्छा ई इक्वल टू -1, 1 है, उसके बाद एफ 0, a g 1, -1, अच्छा देखो यहाँ भी एलिमेंट सेम है सारे, तो ई इक्वल टू जी, फिर मैंने देखा बाकी कहीं पे भी मुझे कोई सेट इक्वल नहीं दिख रहे, तो ओनली दो ही पैर है सेट की जो इक्वल है। थैंक यू।